जुलाई मंथ का अपडेट मिल चुका है IQ Neo 6 को। फोन के डाटा को क्लियर केस करते हैं और साथ में हम उसको फैक्ट्री सेट कर देते हैं ताकि इसका परफॉर्मेंस लेवल और हाई हो जाए, ठीक है ना। वीडियो में हम देखते हैं कि फैक्ट्री सेट कैसे करेंगे, हार्ड रीसेट कैसे करेंगे और साथ ही साथ आपको नॉर्मल जो डाटा है डाटा क्लियर केस कैसे करेंगे। ये है IQ Neo 6 डिवाइस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री सेट के लिए नॉर्मल यानी कि फोन को फोन ऑन होते हुए भी आराम से आप कर सकते हो। सिंपल आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। ये जो डिवाइस मेरा 8GB 128GB वेरिएंट वाला है और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जो भी डाटा इसके अंदर होगा उसको बैकअप रख लेना और साथ ही साथ आपको क्या करना है इसके अंदर अगर कोई पासवर्ड और लॉक वगैरह होगा उसको भी अनलॉक कर सकते हो, तभी ये प्रोसेस आसान रहेगा करने में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जाना है यानी कि सिस्टम के अंदर सेटिंग्स ओपन करना है और देन आपको चले जाना है सिस्टम में। सिस्टम के अंदर आपको देख सकते हो बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन है और उसके नीचे आपको रीसेट ऑप्शन आएगा। पहले बैकअप रिस्टोर पे टाइप करके आप बैकअप रिस्टोर कर सकते हो। देन आप यहाँ पर रीसेट सेटिंग में जाके आप तीन चार टाइप का ऑप्शन आ रहा है। एक तो आपको यहाँ पर है रीसेट वाईफाई मोबाइल ब्लूटूथ और रीसेट एप्लीकेशन ओनली, रीसेट ऑल डाटा और इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट। ये फैक्ट्री रीसेट यहाँ पर कर सकते हो। चलो ये ऑप्शन हो गया, इरेज ऑल डाटा टैप करोगे तो ये सारे डाटा जो भी इसके अंदर पड़े हैं वो सब इसके अंदर इरेज हो जाएंगे यानी कि आउट लॉगिंग हो जाएगा, मैंने लॉगिंग नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको ये सिस्टम तो मैंने बता दिया, एक परफेक्टली जो हम जिसको हम फैक्ट्री सेट एक्चुअल में कहते हैं वहां पर पहुंचते हैं। आपको सिंगल आपको सिंपल आपके फोन के अंदर बैटरी बैकअप चेक कर लेना, 50% के ऊपर होना चाहिए आपके फोन के बैटरी। पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और पावर बटन पर टैप कर देना है। देन फोन जैसे ही स्विच ऑफ हो जाए, स्विच ऑफ मोड में आ जाए तो पावर बटन और वॉल्यूम ऑफ बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है, प्रेस एंड होल्ड करना है। फोन के पावर बटन और वॉल्यूम ऑफ बटन को एक साथ प्रेस करके रखोगे एक बार वाइब्रेशन होगा, जस्ट वाइब्रेट होगा फोन। देन उसके बाद आपके सामने एक फास्ट बूट मोड शो हो रहा है, यहाँ पर रिबूट आ रहा है। रिबूट मतलब दोबारा फोन को रिस्टार्ट के लिए बोलेगा और देन इसके बाद आ रहा है रिकवरी मोड। आपको यहाँ पर नेविगेशन तब कर पाओगे जब वॉल्यूम डाउन बटन को क्लिक करोगे तो ये ब्लू जो ऑप्शन है यहाँ रिकवरी मोड में आ गया। सिलेक्ट करने के लिए पावर बटन को प्रेस करना, देन आपका फोन जो है आ जाएगा रिकवरी मोड में। हल्का सा एक वाइब्रेशन लगेगा आपके हाथ को, हल्का एक वाइब्रेट करेगा, देन उस मोड में आ जाएगा और ये ज्यादा टाइम नहीं लगता, हल्का पुल का प्रोसेस है, आप निश्चित होकर कर सकते हो। फोन है रिकवरी मोड में आ चुका है। यहाँ पर तीन चार चीज आपको देखने को पड़ता है। यहाँ पर देखो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर रहता है, अगर कभी आपका सॉफ्टवेयर आपके पास मैनुअल आ जाए तो उसके अंदर भी आप इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर चेक सिस्टम ऑप्शन आ रहा है, आपके सिस्टम को चेक भी कर सकते हो, टैप करके रखोगे तो चेकिंग सिस्टम करके एक इनेबल कर देगा सेटअप, वो भी आप देख सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है, आप इसको भी देख सकते हो। अगर आप नॉर्मल देखो यहाँ पे जो इंटीग्रिटी ऑफ सिस्टम फाइल चेक ओके, ठीक है, या ओके बटन हो गया। जब डाटा की बात आता है कि आप डाटा को क्लियर केस करना चाहते हो या फैक्ट्री सेट पूरा करना चाहते हो, इन्हें एकदम क्लीन हो जाएगा जब आप फोन बाय किए होंगे उस वक्त का ले आएगा, मतलब आपको लगेगा फोन ओपन किए बॉक्स से। क्लियर डाटा पे टाइप करना है, दो ऑप्शन दे रखा है, एक क्लियर केस और क्लियर ऑल डाटा। मैं क्लियर केस के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पर क्लियर केस ऑप्शन आ रहा है, ओनली केस विल बी क्लियर, फोन सेटिंग एंड डाटा विल बी अनअफेक्टेड। आपके फोन के अंदर सेटिंग्स और डाटा वगैरह कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी फालतू के मालवेयर होंगे और कैश वगैरह होंगे वो फाइल कट जाएंगे, तो यहाँ पर ओके कर दीजिए। ये काफी बढ़िया है, देखो वाइपिंग सेटअप आ गया, ठीक है ना, रिटर्न आप जा सकते हो। अब मुझे क्या करना है, फैक्ट्री रीसेट करना है रिकवरी मोड में जाके, क्लियर ऑल डाटा पे टाइप करना है। यहाँ देखो एक फटाक से एक पॉपअप मैसेज दे देता है, ऑल डाटा ऑन दिस फोन विल बी क्लियर्ड इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट डाटा सच एज कॉन्टैक्ट फोटो एंड SMS समथिंग जो भी है, तो यहाँ पर मुझे वो भी सब हटाना है। देन आपको क्या करना है, ओके पे टैप करना है, ओके बटन पे। जैसे ओके बटन टैप करोगे तो देखो क्लियरिंग डाटा, डू नॉट ऑपरेट द डिवाइस। अब जब ये प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर ना पावर बटन ये कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक आपके सामने एक मैसेज आ गया है वाइपिंग डाटा सेटअप करके, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। जो रिकवरी मोड में जाके ये होता है ये ऑफिशियली दे रखा है, हमें इसके अंदर अलग से कोई सेटअप नहीं करा है, IQ ने ऑफिशियली दे रखा है। IQ के किसी भी डिवाइस में अगर आप यूज कर रहे हो, IQ का किसी भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो, सेम मेथड में आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर रिटर्न पे टैप करना है, फिर बैक करना है। यहाँ पर आपका काम हो चुका है, अब आपको क्या करना है, फोन को रीस्टार्ट बटन पर टैप करके एक बार रीस्टार्ट कर देना है और रीस्टार्ट करने के बाद आपको थोड़ा टाइम इंतजार लगेगा। तो फाइनली आपका IQ Neo 6 जो है ये
रीसेट मोड में, यानी कि फैक्ट्री रीसेट मोड में क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ बढ़िया है, आप चेकआउट कर लेना। कुछ प्री एप्लीकेशन है जो कि मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कैसे इसके डाटा को आराम से हटा सकते हो। दोस्तों ये था आज की वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा नवीन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अनबंदे मातरम।